अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर अमिताभ बच्चन पैदा हुए और फिर नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के बाद डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोलकाता में शिपिंग कंपनी शॉ एंड वेलस में नौकरी की, लेकिन वो ज्यादा दिन तक अमिताभ को रास नहीं आई। राजीव गांधी अमिताभ के दोस्त थे। राजीव की मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर अमिताभ ख्वाजा अहमद अब्बास के पास मुंबई पहुंचे। अब्बास तब 7 हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे थे। अमिताभ के पहुंचते ही उन्होंने तुरंत टीनू आनंद को हटाकर अनवर अली की भूमिका अमिताभ बच्चन को सौंप दी और इसके साथ ही 1969 में अमिताभ का माया नगरी में सफर शुरू हुआ। अमिताभ ने हिट होने से पहले लंबी असफलता का सामना किया। इस दौरान उन्होंने संजोग, प्यार की कहानी, रास्ते के पत्थर, एक नजर, बंसी बिरजू जैसी इमोशनल फिल्में की तो गरम मसाला, बॉम्बे टू गोवा जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी हाथ आजमाया। यहाँ तक कि परवाना फिल्म में खलनायक तक बने, लेकिन लंबा कद और सांवला रंग उनके लिए मुसीबत बनता चला गया। हालांकि इस दौरान 1971 में आई आनंद फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन करियर डामाडोल था। इसके बाद आई फिल्म जंजीर। इस फिल्म को तब के जमाने के बड़े एक्टर देव आनंद और राजकुमार तब फिल्म के राइटर जावेद अख्तर ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। 11 मई 1973 को जंजीर रिलीज हुई। उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। असल में अमिताभ बच्चन को भाग्यशाली भी कहा जाता है। अगर अभिनेता राजकुमार को डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के बालों में लगे तेल की गंध खराब न लगती तो शायद अमिताभ जंजीर में काम न करते। जंजीर फिल्म ने ही उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब दिया और उनका करियर चल निकला। 1973 में जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में हॉट केक बन गए। ये वो दौर था जब पहले 1962 में चीन युद्ध और फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी। तब के युवाओं में भरे गुस्से को इंस्पेक्टर विजय खन्ना ने जंजीर के जरिए पर्दे पर उतार दिया। देखते ही देखते अमिताभ यंग जनरेशन के गुस्से का प्रतीक बन गए और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा, जो हर व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है, जो अनाथ, बेसहारा, लाचार और गरीबों का मसीहा भी था। मैं आज भी फेंके हुए दीवार फिल्म में जमीन पर गिरे पैसे न उठाने वाले विजय ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व ने फिल्मी दुनिया की कहानियों तक को बदल दिया और उन्हें ध्यान में रखकर फिल्म की कहानियां लिखी जाने लगी। रही सही कसर रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली फिल्म शोले ने पूरी कर दी। 1975 से 1984 तक अमिताभ बच्चन का स्टारडम चरम पर था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी। उन्हें कई पुरस्कार मिले और दुनिया भर में शोहरत मिली। 1978 में 4 फिल्मों गंगा की सौगंध, डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की। अमिताभ की सफलता को देखते हुए फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांकोइस त्रुम्फा ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री की उपाधि दी। 1979 में मिस्टर नटवरलाल के लिए गीत गाया तो बतौर गायक और अभिनेता फिल्म फेयर के लिए नामांकन भी पाया। 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ घायल हुए तो पूरा देश उनके लिए दुआएं मांगता दिखा। इसके बाद अमिताभ ठीक हो गए और कुली की शूटिंग पूरी की। 1983 में कुली रिलीज हुई और फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्मी पर्दे के महानायक अमिताभ बच्चन भले आज बड़े जोर शोर से राजनीति में आने के फैसले को अपनी जिंदगी की बड़ी भूल करार देते हैं और राजनीति में कभी ना आने की कस्में खाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब करियर की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी वो सियासत में हाथ आजमाने आए। हालांकि ये भी बड़ा सच है कि सीधे तौर पर न सहे, लेकिन राज्यसभा सांसद पत्नी जया बच्चन के जरिए वो आज भी कहीं न कहीं सियासत से जुड़े ही रहे। 80 के दशक के शुरुआती सालों में अमिताभ का सितारा बेहद बुलंद था। 1983 में कुली फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली,
लेकिन शूटिंग के दौरान लगी चोट के बाद अक्सर वो बीमार भी रहने लगे। और यही वो वक्त था जब उन्होंने फिल्मों से मुंह मोड़ कर राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और अगले ही साल यानी 1984 में अपने करीबी दोस्त राजीव गांधी की मदद से कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और उन्हें रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबी भी मिली। लेकिन 3 साल बाद बोफोर्स घोटाले में भाई अजिताभ का नाम आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया और 1988 में फिर से फिल्मों का रुख किया। हालांकि ये भी जग जाहिर है कि जब उनके करीबी रहे अमर सिंह ने जया बच्चन को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव रखा तो अमिताभ भी तैयार हो गए और जया राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से अमर सिंह की दूरी बढ़ी तो जया बच्चन ने भी अमर का साथ छोड़ दिया। अमर सिंह के पार्टी से बाहर होने के बाद वो न केवल पार्टी में बनी रही बल्कि दूसरी बार राज्यसभा सांसद भी बने। जाहिर है अमिताभ खुद तो राजनीति से दूर रहे लेकिन सियासत को अपने घर की दहलीज में दाखिल करने से कभी गुरेज नहीं किया। राजनीति से दूर हुए तो 1988 में बच्चन साहब फिर से फिल्मों में लौटे। शहनशाह से अमिताभ बच्चन की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई, फिल्म हिट रही, लेकिन इसके बाद फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 1991 में अग्निपथ आई, फिल्म को समीक्षकों ने सराहा, अमिताभ को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। 1992 में आई खुदा गवाह के बाद अमिताभ 5 सालों तक फिल्मों से दूर हो गए। इसके बाद अमिताभ ने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ABCL नाम की कंपनी की स्थापना की। अमिताभ ने 1996 से 2000 तक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली मनोरंजन कंपनी बनने का सपना देखा। उनकी कंपनी की रणनीति थी भारत में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज देना, मेन स्ट्रीम की फिल्में प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ABCL की पहली फिल्म थी तेरे मेरे सपने जो बुरी तरह फ्लॉप रही। 1997 में ABCL ने मृत्युदाता बनाई और अमिताभ की फिल्मों में वापसी हुई। ये फिल्म भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 1997 में बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मुख्य प्रायोजक भी ABCL थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और ABCL चारों तरफ से आर्थिक तंगी से घिर चुकी थी। हालत ये हुई कि आखिरकार ABCL को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अप्रैल 1999 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिग बी को अपने बंगले प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी। अमिताभ बच्चन ने 70 और 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनके पीछे दूर दूर तक कोई दूसरा एक्टर नहीं था। इस बुलंदी के बीच अमिताभ राजनीति में आए और राजनीति के साथ ही विवादों से भी उनका नाता जुड़ गया। अमिताभ पर घोटालों के आरोप लगने लगे और इनमें से एक बोफोर्स तोप सौदा भी शामिल था, जिस मीडिया ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार, मेगा स्टार, वन मैन इंडस्ट्री जैसी तमाम उपाधियां दी। वही मीडिया अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ गया। अमिताभ बच्चन की अधिग्रहित इप्का लैब कंपनी, उनके भाई अजिताभ बच्चन और अजिताभ की पत्नी रमोला की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और बोफोर्स तोप घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे। अमिताभ बच्चन ने इसी दौरान सांसद पद से इस्तीफा तो दे दिया और राजनीति से किनारा भी कर लिया। आरोपों का जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन ने मैं आजाद हूं जैसी फिल्म बनाई, लेकिन हॉलीवुड फिल्म मीट जॉन डो पर आधारित फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। एक तरफ वो अमिताभ पर आरोपों की झड़ियां लगा रही थी, वहीं बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में लगातार पिटती जा रही थी। असल में इस मामले के विसल ब्लोअर स्वीडन के एक्स पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रोम ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया था। लिंडस्ट्रोम के मुताबिक वीपी सिंह सरकार के वक्त उन पर बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का नाम जोड़ने का प्रेशर बनाया गया था। स्टेन के मुताबिक उन्होंने ही इस स्कैम से जुड़े 350 से ज्यादा डॉक्यूमेंट
इंडियन मीडिया को मुहैया कराए थे। ये तस्वीरें गवाह है देश के दो चर्चित परिवारों की दोस्ती की। एक समय था जब दोनों परिवारों की करीबी सुर्खियों में हुआ करती थी। फिर वो दौर भी आया जब जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप जमकर चले। पंडित नेहरू के जमाने से शुरू हुई गांधी बच्चन परिवारों की दोस्ती तीसरी पीढ़ी तक आते आते तल्खियों में बदल गई। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की दोस्ती को राजीव गांधी और अमिताभ ने आगे बढ़ाया, लेकिन ये संबंध अभिषेक बच्चन और राहुल गांधी की पीढ़ी तक जिंदा नहीं रह पाए। हैरानी तो इस बात की है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे को इस तल्खी के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन अमिताभ के बेहद करीबी रहे अमर सिंह इसके लिए अमिताभ को ही जिम्मेदार बताते हैं। गांधी परिवार के बारे में आप पूछ लीजिए, बाल्यावस्था से गांधी परिवार के साथ थे। सोनिया गांधी एक गर्भामय महिला है, बोलेंगी नहीं। अब आप पूछ लीजिए, अब सोनिया जी का हृदय जानता होगा आप, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका हृदय जानता होगा। राजीव गांधी ने अमिताभ को सांसद बनाया, लेकिन अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। राजीव को अमिताभ का ये फैसला नागवार गुजरा, पर दोस्ती कायम रही। राजीव गांधी की मौत के बाद प्रियंका गांधी की शादी तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सोनिया और राहुल से बच्चन परिवार के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि जमकर जुबानी जंग भी चली। कभी जया बच्चन ने इशारों इशारों में हमला बोला तो राहुल ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। हालांकि अमिताभ कभी इसमें शामिल नहीं हुए। वैसे तो परिवारों में पड़ी दरार की असल वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन माना जाता है कि अमिताभ के मुसीबत के दौर में गांधी परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं समाजवादी पार्टी से अमिताभ की नजदीकी भी तल्खी की वजह कही जाती है। साल 2000 आते आते अमिताभ बच्चन की ABCL के साथ ही उनकी हालत भी बेहद जर्जर हो चुकी थी। अमिताभ की कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी और मार्केट में उन पर पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को मिला अमर सिंह का साथ। अमर और अमिताभ की दोस्ती की कहानी उस दौर में परवान चढ़ी। उस दौर में अमर सिंह ने आगे बढ़कर अमिताभ की मदद की थी, ऐसा कई लोग मानते हैं और ऐसा अमर सिंह दावा भी करते हैं। कहा जाता है कि ABCL से मिले, झटके से उबरने और AB कॉर्प नाम से अमिताभ की नई कंपनी खड़ा करने में भी अमर सिंह अमिताभ के हमकदम रहे। और जब ट्रम्प टावर में अमिताभ बच्चन रहते थे और टीवी एशिया चलाते थे, तो पीठा वाला इनको समय समय पर टीवी एशिया चलाने के लिए इनके अनुरोध मात्र पर रुपया देता था और उसके बदले में उन्होंने पीठा वाला को प्रोलोड भी दिया था। इसके बाद तो साल 2000 में KBC ने अमिताभ की इंडस्ट्री में फिर से वापसी करा दी। मोहब्बतें फिल्म सुपरहिट रही तो कभी खुशी कभी गम और बागबान भी लोगों को खूब पसंद आई। फिल्म ब्लैक के लिए तो अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन को एक बार फिर वही बुलंदी और स्टारडम फिर से हासिल हुआ जो करीब 1.5 दशक पहले तक था। अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों में अमर सिंह उनके साथ साए की तरह खड़े नजर आए। उस दौरान दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे। अमिताभ बच्चन का कोई कार्यक्रम हो तो वहां अमर सिंह मौजूद होते थे और अमर सिंह का कोई कार्यक्रम हो तो वहां अमिताभ बच्चन मौजूद रहते थे। अमर सिंह से करीबी के चलते अमिताभ बच्चन समाजवादी पार्टी के भी करीब आ गए। इसी दौरान अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश विकास परिषद का सदस्य बना दिया गया तो अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को SP के टिकट पर राज्यसभा सांसद बना दिया गया। बिग बी ने 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले UP सरकार के लिए एक ऐड भी किया। इस ऐड पर काफी विवाद हुआ जिसके बाद धीरे धीरे अमर और अमिताभ के रिश्ते में तल्खी आने लगी कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन ये सभी सहारा के बोर्ड पे थे। तो मैंने उनको ये कहा कि अमित जी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आपका पूरा परिवार सहारा के बोर्ड पर रहे, क्योंकि या तो आप सहारा के बोर्ड को चलाइए, सहारा का व्यापार चलाइए, और अगर आप सहारा का बोर्ड चला नहीं रहे हैं तो आपको सहारा के बोर्ड से त्याग पत्र दे देना चाहिए। सहारा को लेकर विवाद काफी तीखा हुआ तो अमर सिंह चाहते हैं कि अमिताभ वो पैसा लौटा दे ताकि वो बेदाग हो सके। जो बकाया पैसा था वो सहारा ने अमिताभ बच्चन जी के लिए दिया है, तो अब उस पैसे को लौटाने का दायित्व अमिताभ बच्चन जी को है,
उसका स्वाहा वो अपने स्मिता की रक्षा के लिए तत्काल कर दें और तभी वो राष्ट्रपति भवन में उज्जवल मुख लेकर के अगले राष्ट्रपति के रूप में जा पाएंगे। जैसे वो फर्श की अग्नि परीक्षा से निकले, जैसे वो दौलतपुर में सुप्रीम कोर्ट में केजी बालाकृष्णन के हथौड़े से निकले मायावती के उत्पात के बावजूद, वैसे वो प्रवर्तन निदेशालय के जांच से जो आजकल बंद हो गई होगी या फाइल हो गई होगी उससे भी निकलेंगे, और अगर नहीं निकलेंगे तो राष्ट्रपति भवन की जगह उनको पता नहीं कहाँ जाना पड़े। और जो पद्म विभूषण तमाम अलंकरण लिया, जो ट्वीट करते हैं कि हमारे परिवार को सबसे ज्यादा मिला है, वो सब वापस भी देना पड़े। कभी अमिताभ को बड़े भैया कहने वाले अमर सिंह की जुबान में अमिताभ के लिए आज ऐसी तलखी क्यों? अक्सर बच्चन परिवार के साथ दिखने वाले अमर सिंह की ये बेरुखी बताती है कि संबंधों का ज्वार उतर कर अब रसातल में है। आखिर क्या वजह है? तो इसके लिए उस दौर में जाना होगा जब अमर सिंह का बुरा वक्त शुरू हुआ और बच्चन परिवार ने उनसे किनारा कर लिया। बात समाजवादी पार्टी से अमर सिंह को निकाले जाने के वक्त की है, जब जयाप्रदा ने अमर सिंह का साथ दिया, लेकिन जया बच्चन ने उनसे न केवल दूरी बना ली बल्कि समाजवादी पार्टी में भी बनी रही। पूरे मसले में अमिताभ की खामोशी अमर सिंह को बेहद चुभी और उसकी टीस आज भी उनकी जुबान पर आ ही जाती है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं वो जीवन में भी एक्टिंग करते हैं, पर्दे के पर करते हैं, पर्दे के बाहर भी करते हैं। संबंधों में उतार का सिलसिला अमर सिंह की बीमारी के दौर में भी जारी रहा। गंभीर हालत होने के बावजूद भी बच्चन परिवार उनसे मिलने तक नहीं गया। अब जयाप्रदा ने सार्वजनिक तौर पर इसे उठाया तो अमिताभ बच्चन हाल जानने पहुंचे, लेकिन रिश्तों में तल की घटने के बजाय बढ़ती ही गई। अब अमर सिंह ने अमिताभ पर सबसे बड़ा हमला बोला तो अमिताभ ने ट्विटर पर इशारों इशारों में बड़ा पलटवार कर दिया। इंडिया 24/7 पर खुलासे के बाद अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच तकरार और तेज हो गई है। अमिताभ ने ब्लॉग और ट्वीट के जरिए अमर सिंह पर निशाना साधा। अमिताभ ने ट्वीट पर अमर सिंह की तुलना राक्षस से की तो अमर सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अमर सिंह ने एक बार फिर 50 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते हुए कहा, जो पैसा सहारा ने अमिताभ के लिए दिया वो अमिताभ आज सेबी को वापस क्यों नहीं लौटा देते? अब मैं नहीं मानता कि अमिताभ बच्चन मुझे राक्षस कह रहे हैं, क्योंकि वही अमिताभ बच्चन है जिन्होंने ये कहा कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो सदी का महानायक मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहा होता। दरअसल अमर सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमिताभ बच्चन ने इशारों इशारों में पूर्व सांसद पर निशाना साधा था कि बिग बी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने ब्लॉग पर लिखा कि मुझे लंबे समय तक झूठ एवं धोखे के बोझ तले रहना पड़ा। जब इसका खुलासा हुआ तो उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया मांगी। कोई भला क्या कहता, कोई भला इस पर क्या करता? क्या वे 25 साल की पीड़ा को मिटा सकते हैं? क्या वो बदनामी के बदनुमा रंगों को मिटा सकते हैं? अमिताभ बच्चन ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, जब संत महात्मा हवन करते थे तो राक्षसों को बेचैनी होती थी। अमर सिंह ने इस मामले पर भी पलटवार किया। यज्ञ होता है तो राक्षस आ जाते हैं, अब वो राष्ट्रपति के लिए उनका नाम चल रहा है तो कुछ राक्षस आ गए होंगे। इन्हीं राक्षसों से बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन इन राक्षसों से बचे रहें। हालांकि इस मामले में बड़ा सवाल अब ये बन गया कि ब्लॉग में बोफोर्स मामले पर सफाई देने वाले अमिताभ ने आखिर इस 50 करोड़ रुपए के सवाल पर चुप्पी क्यों साध ली?